मैं इश्क की मुरादे दुआ का मुझे तुझसे जोड़ने सब काम है खुदा का से प्यारा तू ही जिंदगी से प्यार हो गया है तेरा नाम लेते लेते हो गया है तू खाली मोर विधाता हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हम लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप का जो 3D वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ। आपको भी इस टाइप का 3D वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहे, और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के अंदर आपको इस चैनल पर हर दिन देखने को मिलेगी। दोस्तों देखो, स्टार्टिंग में मैंने दो प्रीव्यू देखा है आप लोगों के लिए, तो आप उड़िया यूजर से उड़िया में बना सकते हो, उड़िया सॉन्ग्स का जो प्रीव्यू देखा उड़िया में बना सकते हो, और हिंदी यूजर तो हिंदी में बना सकते हो। मैंने दोनों का प्रश्न लिख दे दिया है मेरे वेबसाइट पर, अगर आपको इनपुट कर लेना है। प्रश्न लिख कैसे इनपुट नहीं पता तो ऑलरेडी बोला टॉपिक पर वीडियो बना कर रख लिया, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो भी देख सकते हो। और दोस्तों देखो, मैंने कॉपीराइट वजह से वीडियो को थोड़ा सा म्यूट कर दिया, आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से वीडियो को पहले पोस्ट कर दिया, वहां जाकर लोग वीडियो को देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, अलर्ट मोशन ओपन कर लेना। इस तरह आपको अलर्ट मोशन आपको आ जाना प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आने के बाद ऊपर में देख रहे हो हिंदी फुल प्रोजेक्ट है, और हिंदी फुल देखो ये वाला रिलिकाल आपको दो प्रेशर आपको मिलेगा, हिंदी फुल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है आपको रिलिकाल आपको दो मिलेगा, और उड़िया में आपको फुल फुल प्रेशर और रिलिकाल ये दो प्रेशर। आप उड़िया यूजर उड़िया वाला जो आपको प्रेशर इनपुट करना है, और आपको हिंदी यूजर तो हिंदी वाला प्रेशर आपको इनपुट करना होगा। ओके तो चलो हिंदी प्रेशर पहले बनाते हैं। ओके पहले आपको क्या करना, इस तरह हिंदी प्रोजेक्ट ओपन कर लेना। हिंदी प्रोजेक्ट ओपन करने इस तरह आपको आएगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेना। ऑल करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी 28 करना है, और आपको बैग जाना है। बैग आने के बाद आपको क्या करना, हिंदी फुल प्रोजेक्ट ओपन करके यहाँ से सिंपल सा लेयर वाला क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करना। ओके पेस्ट करने के बाद कैमरा ऑन कर देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर फोन ऐड करना है और फोटो वगैरह आपको ऐड करना है। ओके तो यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा, देखो यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पर आ जाना है, और यहाँ क्लिक करके आपको अपना फोन ऐड कर लेना। ओके मेरा फोन आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको डाउनलोडिंग कर लेना। इस तरह आपको इनपुट करके अपना फोन आपको यूज कर लेना। ओके यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग करके ओके कर लेना। ओके इस तरह आपको ओके कर लेना, इस तरह फोन ऐड हो जाएगा। आपको टोटल दो फोन मिलेगा, दो फोन को भी आपको डाउनलोडिंग करना पड़ेगा, और अपनी मर्जी से भी आप फोन यूज करना चाहते हो कर सकते हो। ओके तो इस तरह आपको फोन ऐड करना होगा, कैमरा पहले ऑफ कर लेना, ऑफ कर लेना। यहाँ से आपको फोटो ऐड करना है, तो कैसे आपको फोटो ऐड करना है, प्लस में टाइप करना है, मीडिया में जाना है, और आपको डिमो देखा है कोई भी फोटो में यहाँ पर चूज कर लेते हैं। इस वाला फोटो देखो, फोटो आ गया, उसके बाद उसका लेंथ को आपको बढ़ा लेना है, कहाँ तक इस वाला फोटो वहाँ तक आपको इस वाला फोटो को लाना है। ओके तो इस तरह आपको आगे चले जाना है। ओके देखो यहाँ तक है, ओके इस वाला बिडमार्क तक, तो पहले फोटो पर क्लिक करना है इस तरह, और ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, फोटो यहाँ तक आपको ऐड हो जाएगा। फिर से थोड़ा आपको स्क्रॉल कर लेना है, और फोटो में क्लिक करना है, मोबाइल ट्रांसफर क्लिक करके जेड ऑप्शन में क्लिक करना है, और इस तरह आपको ऊपर में स्क्रॉल करना है। ओके इस तरह ऊपर में आपको स्लाइस करना है, उसके बाद आपको फोटो को इस तरह ले आना है एक्स वाई पर क्लिक करके। ओके फिर से आपको जेड ऑप्शन में क्लिक कर देना, इस तरह ऊपर में आपको कर लेना है। ओके फोटो देखो पीछे चलाएगा, थोड़ा आपको ऊपर लेना है। ओके देखो फोटो थोड़ा पीछे चलाएगा, ऊपर लाने के बाद आपको दोनों फिंगर से पकड़ के इस तरह जूम कर लेना है। पहले वाला फोटो जितना रहेगा आपको उतना ही बराबर रखना है। ओके तो इस तरह आपको जूम कर लेना है। ओके पहले वाला जितना रहेगा आपको इतना ही रख लेना है, रख लेंगे इस तरह आपको एडजस्ट कर लेना है, और नीचे जाकर आपको पहले वाला फोटो को आपको डिलीट कर देना है, इस तरह क्लिक करके डिलीट कर देना। इस तरह कैमरा ऑन कर देख सकते हो, यहाँ पर फोटो ऐड हो गया। ओके इस तरह आप फोटो आप ऐड कर लेना। ओके तो इस तरह देखो फोटो ऐड हो गया। और भी एक तरीका फोटो ऐड करने का, तो यहाँ डायरेक्ट आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर फोटो में क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, पीएनजी में जाना है, और डायरेक्ट यहाँ से आपको डिमो दिखा देना कोई भी एक फोटो, ये वाला फोटो, तो इस तरह आपको ऐड करना है। देखो फोटो यहाँ पर डायरेक्ट ऐड हो गया, इसी तरह से वो फोटो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। ओके इसी तरह आपको जितना ही फोटो आपको टोटल आपको सेवन टोटल आपको एट फोटो आपको लगेगा, तो आपको टोटल एट फोटो यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको आ जाना है, और वीडियो को फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलो उड़िया वीडियो हम बनाते हैं। ओके तो उसे देखो बैग जाना, इस वाला प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी इनपुट कर रखा है, तो बैग आ जाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, आपको उड़िया यूजर तो आपको क्या करना है,
आपको उड़िया उजर तो आपको रिलीगल इस तरह आपको मिल जाएगा। सेम प्रोसेस अभी जो जैसा किया था आपको वैसा ही कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करके यहाँ आपको कॉपी 20 लाइन या करना है और आपको बैग जाना है और आपको उड़िया फुल प्रोजेक्ट आपको उड़िया उजर तो उड़िया वाला प्रोसेस आपको दो इनपुट करना पड़ेगा। ओके तो इस तरह आपको इनपुट करना है और लेयर ऑप्शन क्लिक करके पेस्ट करना है। सेम प्रोसेस उसका कैमरा देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको फोटो यहाँ पर ऐड करना है। फोन जो आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था जैसे आपको फोन को भी ऐड करना है और आपको यहाँ पर फोटो भी इस तरह आपको डायरेक्ट क्लिक करके फोटो भी ऐड कर लेना है। ओके इस तरह आपको फोटो मिल जाएगा, ऊपर में आना थोड़ा। ओके इस तरह आपको फोटो वगैरह आपको मिलेगा तो फोटो में क्लिक करना है, कलरफुल में जाना है, पेन में जाना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर फोटो क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखो फोटो ऐड हो गया। ओके इसी तरह से आपको फोटो यहाँ पर ऐड कर लेना है। ओके फोटो वगैरह ऐड करने के बाद आपको यहाँ शेयर वाला ऑप्शन क्लिक करके वीडियो को फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।